दूसरी जानब पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, बीमार जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वाले 3 सप्लायर पकड़ लिए गए। कार्रवाई बकर मंडी पाक टाउन में की गई, जहां से 3,800 किलो नाकिस गोश्त तलब कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे इमरान मलिक से। जी इमरान, बताइएगा इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। जैनब जी, तो ये बिल्कुल आज ऑल स्टार्टर हाउस बकर मंडी में आरएफ सेलर गोश्त तलब कर दिया गया। अथॉरिटी की हदायत पर अली सुबह ये ऑपरेशन किया गया। बकर वाकया एक और जिबा खाना सील किया गया, जहां से 1800 किलो नाकिस गोश्त बरामद करके तलब किया गया है। पार टाउन में मोहम्मद अली कॉलोनी में भी जवेद गोगा मीट सर्विस की को बीमार जानवर जिबा करने पर सील किया गया। इसी तरह गैर कानूनी जिबा खाने चलाने पर जवेद गोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 300 किलो गोश्त मौका पर तलब किया गया। मजमूई तौर पर 3800 किलो यानी कि 95 मन नाकिस गोश्त थाने से शहरियों को बचा लिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि बीमार जानवरों के गोश्त से मुतअद्दिद खतरनाक और मुजी बीमारियां फैल रही है। महफूज गोश्त समेत बुनियादी अशिया जरूरिया की फरामी यकीनी बनाना पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलिन तरजीह है। मियारी गोश्त की यकीनी फरामी के लिए तमाम मुतलका अदारों के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बनाने पर भी काम जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक।